चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। वैसे मैं मेरे मम्मी डैडी यहाँ रहते हैं जींद में। मैं यहाँ पे आई हुई थी, पहले मम्मी बीमार थी, मेरी काफी बीमार थी तो मैं इसलिए आई थी। और फिर ये मेरी बहन है छोटी अंकिता, उसके लिए मैं क्लैपिंग करवाना चाहूँगा। ज्यादा संभाल रही है, मेरे भाई की डेथ हो गई थी इसलिए वो ज्यादा ही संभाल रही है। फिर उनको ये अनु जी मिले, इन्होंने बताया भी आपकी मम्मी ठीक हो जाएगी। मेरी मम्मी ज्यादा ही बीमार हो गई थी, पहले रैली बीमार थे तो इन्होंने बताया, तो मम्मी के भी 10 दिन में ही आराम हो गया। उनको ऐसा लगा कि मेरा बुखार सा उतर गया, वो बिल्कुल उठ भी नहीं पा रही थी, ऐसी हो गई थी। तो फिर मेरी बहन और आए थे यहाँ पे, मेरी बहन सुनीता और अंकिता दोनों यहाँ पे आए थे। उन्होंने देखा भी सब लोग ठीक हो रहे हैं, तो मम्मी भी ठीक हो रहे हैं, तो मुझे बोला रेनू तू भी आके यहाँ पे ले दवाई। तो मैं ठीक है, मैं आती हूँ वहाँ पे। तो मैं आई हुई, मेरी बहन की लड़की का बर्थडे था, मैं भी बहाना मार के आई हुई, मैं बर्थडे में जरूर जाना मेरे को। तो दवाई ले, दवाई के लिए मैं आई थी यहाँ पे। चल ऐसी होती है कंपनियां, तू मत जा, क्या पता क्या कैसी दवाई होगी। मैं चलो ठीक है, मैं इसके बहाने से ही जाती हूँ। मैं आ गई यहाँ पे, मैंने 1 घंटे में चंडीगढ़ से जींद आने की तैयारी करी है। और देख लो मैं बस में नहीं गई, सफर करती बस में आई हूँ मैं आपके बार। और मैं पोल्टिया लगती है, फिर भी मैं आ गई यहाँ पे। मैं चलो देखते हैं, मैंने मम्मी को देखा, डैडी को देखा, मेरी बहन ये सुनीता जी है, इनका बीपी भी 3 दिन में ठीक हो गया। और नहीं, बीपी नहीं था, सॉरी, थायराइड है इनको, इनको ठीक हो गया अभी थायराइड भी। ये कह रहे मेरे को बहुत ही बहुत सूजी हुई थी इनका शरीर भी, ये ठीक है। इसलिए मैं अपने, मेरा लड़का है जो 8 साल का है, वो उसको ना जैसे कुछ कर तो लेता है पर याद नहीं रहता उसको, इसलिए मैं उसको दवाई दिलाना चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ लड़का ठीक हो, आगे बढ़े हो। पर मैं पहले अपने लड़के को ठीक करना चाहती हूँ कि वो कुछ आगे करके दिखाए। मैं भी अपने दवाई लेके अपने ठीक होके सब और कुछ करना चाहती हूँ, इसलिए मैं इजी वेज में आई हूँ। अपना खुद का काम करो, अपने आरबीओ के फ्लोस से मत रहो। कुछ काम नहीं करती है तो घर में फालतू बैठती है, इसलिए जोरदार तालियां।